वाटर एनिमल, पानी में रहने वाले जीव. ओके, तो लुक एट द ब्लैक बोर्ड. यहाँ मैंने जो ड्रॉ किया है ये है वाटर एनिमल और ये सी के अंदर, इट मीन समुद्र के अंदर रहता है. तो यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स है जो बड़े बड़े हैं, जैसे कि डॉल्फिन. डॉल्फिन एक बहुत बड़ी मछली है. वेल, वेल का साइज बहुत बड़ा और हैवी होता है, ठीक है, भारी होता है और बहुत बड़ा होता है. शार्क, तो ये तीन बड़ी मछलियां हो गई, ठीक है, जो कि समुद्र में रहती है. क्रैब, क्रैब मीन्स केकड़ा, और ये केकड़े के नेल्स जो है जिससे वो पकड़ता है. सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा. ओके, वो इस तरह का दिखता है. ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के एट आर्म्स होते हैं, एक इस तरह के उसके हैंड्स होते हैं, और इसके पास थ्री दिल होता है, हार्ट होता है, तीन दिल होते हैं इसके. ओके, इसे एट आर्म वाला होता है, इसलिए इसका नाम ऑक्टोपस है. टॉर्टलाइज, टॉर्टलाइज मीन्स कछुआ. टॉर्टलाइज मीन्स कछुआ, ये समुद्री कछुआ है. ये जमीन पे भी रहता है और पानी के अंदर भी रह सकता है, वाटर के अंदर भी रह सकता है. पेंगुइन, ये भी जमीन पे भी रह सकता है, मतलब सी बीच पे भी रह सकता है, समुद्र के किनारे और सी के अंदर, इसमें समुद्र के अंदर भी रहता है और ये इस तरह से खड़े होकर चलता है, इसे बोलते हैं पेंगुइन. तो हमने कौन कौन से वाटर एनिमल पढ़े हैं, फर्स्ट थ्री बिग फिश है इसमें डॉल्फिन, वेल, शार्क. उसके बाद हमने पढ़ा है क्रैब, क्रैब में जो है क्रैब मींस केकड़ा. सी हॉर्स, ऑक्टोपस, टॉर्टोइस एंड पेंगुइन. ओके, सबको समझ में आ गया.